वेलकम टू एवरी वन। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर टू पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग एपी जीपी एचपी कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग किए थे, बट कंडीशंस निकालनी होगी एपी जीपी एचपी के फॉर्मेशन में। अगर रूट्स दिया हुआ रहेगा तो कंडीशन कैसे निकालेंगे, तो अगर एबीसीडी के फॉर्मेशन में ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब कंडीशन जो निकलेगा वो एबीसीडी के फॉर्मेशन में ही निकलेगा। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है मे बी आप लोग का 16 मार्क्स में ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आ जाए। ठीक, तीनों निकालना रहेगा कंडीशन, तो 16 मार्क्स में निकाल सकते हैं, या फिर 8 मार्क्स में भी पूछ सकता है, बीबीएमपी यूनिवर्सिटी या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसकी कोई भरोसा नहीं है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारा प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो जरूर से जरूर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, और उसी में से ही आएगा, इतना विश्वास रखिए। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, सॉल्यूशन जो होगा वो किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा होगा कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन। ठीक है, देन तो फर्स्ट वन हमारा एपी है, ठीक, एपी जीपी एंड एचपी। तो एपी तो नंबर वन का सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, तो नंबर वन हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक, लेट द रूट्स जो हमारा एक्चुअली में सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ, ए एक्स क्यूब प्लस 3 BX स्क्वायर प्लस 3 CX प्लस डी इक्वल टू 0। लेट द रूट्स, सबसे पहले रूट्स ही देखा जाता है एपी में किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर किस तरीके से लेते हैं रूट्स, तो अल्फा एंड हमारे क्या होता है डेल, या अल्फा बीटा के फॉर्मेशन में अल्फा माइनस डेल फिर अल्फा अल्फा प्लस डेल, ये फॉर्मेशन में हम लोग रूट्स लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा कि रूट्स किस फॉर्मेशन में लेते हैं, एपी में, जीपी में और एचपी में। एचपी में तो इजी है, अल्फा बीटा गामा इस फॉर्मेशन में ले लेते हैं। ठीक है, एपी में हम लोग ऐसे लेते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट्स पहले करते हैं। नाउ सम ऑफ द रूट्स फर्स्ट निकाले, अल्फा माइनस डेल अल्फा प्लस डेल, क्या माइनस बी बाई, माइनस बी बाई ए माइनस 3 B बाई ए, क्या है हमारा ए ही है। ठीक, देन तो ये कैंसिल आउट कुछ हो रहा है, दिस वन कैंसिल आउट, क्या बच रहा है 3 अल्फा इक्वल टू माइनस 3 B बाई ए, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, एंड सेकेंड वन हमारा क्या है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। हाँ, अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, देखिए ये 3 जो है डिनोमीटर में आ जाएगा, माइनस 3 B बाई, ये हमारा डिनोमीटर में आया 3 A, ये कैंसिल आउट हो गया, तो निकला क्या अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए निकल गया, ये फॉर्मूला ही निकल गया। ठीक है, देन सेकेंड वन क्या होता है, अल्फा का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया, इसे इक्वेशन वन हम कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सिंस अल्फा जो है वो क्या है, लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ग्रेजुएशन में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। अल्फा इज अ रूट of the given equation, जो कि given equation जो भी दिया हुआ था, ठीक है, of the given equation यहाँ तक ले सकते हैं। Therefore we have क्या होगा, तो देखिए अगर अल्फा हमारा रूट्स हो जाता है, तो रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू है ना, स्टार्टिंग में चैप्टर वन में पढ़े थे रूट्स मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू हुआ, तो जो भी हमारा x जहाँ पे टर्म्स है वहां पे हम अल्फा पुट आउट कर सकते हैं, अल्फा हमारा रूट से, तो ठीक है, तो जो होगा हमारा क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा, a अल्फा क्यूब फिर यहाँ पे प्लस 3 B अल्फा स्क्वायर प्लस 3 C अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0, इस फॉर्मेशन में हमारा चेंज हो जाएगा अगर अल्फा हमारा रूट हुआ तो। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, अब जो है ना, अब अल्फा का वैल्यू सिंपल पुट आउट कर देंगे, क्योंकि देखिए जो कंडीशन निकालना है ए बी के फॉर्मेशन में दिया हुआ, तो ए बी के फॉर्मेशन में ही निकलेगा, जो कि अल्फा का वैल्यू हमारा माइनस बी बाई आ गया, मतलब ए बी का फॉर्मेशन तो आ गया ना, बस निकालनी है वैसे। ठीक है, तो अल्फा इस फॉर्मेशन में हो गया, देन अल्फा का वैल्यू सिंपल यहाँ पे पुट आउट कर देनी है। ओके, तो ऊपर हम इरेज कर दे रहे हैं एंड वैल्यू पुट आउट करके इसको सॉल्व करते हैं, ये इरेज कर देना। ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को रहने दिए। ठीक,
तो नाउ के लिए यहाँ लिखेंगे क्या, ए अल्फा का वैल्यू क्या निकला माइनस बी बाई ए का, ये हमारा हो जाएगा क्यू प्लस थ्री बी माइनस बी बाई ए का ये होल स्क्वायर, थ्री सी माइनस बी बाई ए प्लस डी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्मेशन में आ गया। देन इसको सॉल्व कीजिए, ये नेगेटिव में ही रहेगा माइनस ये बी और यहाँ पे हो जाएगा सॉरी ये क्यूब और ये क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पे थ्री बी, ये स्क्वायरिंग में रहेगा ठीक है, तो ये हमारा बी बाई ए हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव में आ जाएगा तो नेगेटिव हम यहाँ पे बाहर कर सकते हैं, थ्री सी बी बाई ए प्लस डी इक्वल टू जीरो। देन देखिए यहाँ से ए कैंसिल आउट होगा माइनस बी क्यू बाई में ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा थ्री बी स्क्वायर बाई ए माइनस, यहाँ क्या है क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है कैंसिल आउट, प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे जो है वो डिनोमिनेटर में देख पा रहे हैं यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है यहाँ पे वन है मतलब कुछ नहीं तो वन है, तो क्या होगा क्या हम एलसीएम ले लें, ये जो है ना ये कंप्लीट एक फॉर्मेशन में डालेंगे ठीक है इक्वेशन उस तरीके से इक्वेशन में, तो हम क्या करें यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं ठीक है, जो कि एलसीएम हमारा क्या होगा ए स्क्वायर एलसीएम होगा ठीक, यहाँ पे हम इरेज कर दे रहे हैं, ए स्क्वायर एलसीएम हुआ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ए स्क्वायर ये होगा माइनस बी क्यूब प्लस यहाँ पे क्या होगा यहाँ ए है तो थ्री बी स्क्वायर ए हो सकता है माइनस यहाँ पे थ्री सी बी और ए हो जाएगा मतलब ए बी सी हो जाएगा और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा ए स्क्वायर डी दिस इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो टर्म बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा थ्री ए बी सी प्लस ए स्क्वायर डी इक्वल टू जीरो, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ ए पी, जो गिवेन इक्वेशन दिया हुआ था उसका रिक्वायर्ड ये कंडीशन निकल गया, तो इस तरीके से कंडीशन निकालनी है। तो उम्मीद है कि समझ में आया, समझ में आया वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग निकालते हैं जीपी ठीक है, एपी निकालिए देन इसी वीडियो में तीनों निकालेंगे, जीपी निकालते हैं तो चलिए इरेज करते हैं इसको, जीपी जीपी में भी लिखिए गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ था ना वही लिखिए सेकेंड लिखिए ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज क्या है ए एक्स क्यूब प्लस थ्री बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है दिस वन, एंड लेट द रूट्स रूट्स ऑफ द given equation r क्या है रूट जो होगा इसका किस तरीके से लेते हैं, तो याद है ना अल्फा और हमारा r के फॉर्मेशन में लेते थे है ना, तो अल्फा बाई r ले सकते हैं या डेल ले सकते हैं, तो यहाँ पे अल्फा डेल ले रहे हैं तो डेल के ही फॉर्मेशन में हम लोग ले लेते हैं अल्फा एंड दिस वन इज द डेल ठीक है, एंड हमारा क्या होगा अल्फा अल्फा और हमारा डेल, इस तरीके से हम लोग रूट्स लेते हैं जीपी का ठीक, तो अल्फा बाई आर ले सकते हैं दिस वन आर अल्फा एंड अल्फा आर या फिर ए बाई आर ए ए आर ठीक, जो भी ले सकते हैं हम पहले ही बताए थे ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऐसे लेके ठीक, आप इस फॉर्मेशन में ले सकते हैं सबका फॉर्मेशन सेम है देख पा रहे होंगे ठीक है, तो ऐसे ले सकते हैं ऐसे ले सकते हैं जैसे भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं काटेगा ठीक। देन तो देखिए यहाँ पे क्या होगा नाउ सम ऑफ द रूट्स हम लोग करते हैं ना सम निकालते हैं सबका, तो यहाँ पे क्या होगा ना प्रोडक्ट डायरेक्ट निकालिए तो देखिए अल्फा का वैल्यू आ जाएगा ठीक, सम निकालेंगे तो एडिंग होगा प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए डेल डेल कैंसिल आउट हो जाएगा ये अल्फा क्यूब, तो अल्फा का वैल्यू इजीली निकल जाएगा ठीक है, इसीलिए आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा प्रोडक्ट ही डायरेक्ट कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक, तो प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा डेल इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे वैल्यू वो पता होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव होता है फिर पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है ठीक, तो माइनस डी बाई ए लास्ट वन का क्या होता है यहाँ पे होता है ठीक है, सबसे लास्ट में प्रोडक्ट तो मतलब क्या होगा कि सबसे लास्ट वाला टर्म होगा एंड दिस वन, अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा तो वो हम बता दें किस तरीके से करनी है, यहाँ से स्टार्टिंग करनी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव देन ये हमारा कैंसिल आउट हो गया अल्फा क्यूब बाई ए आ गया,
ठीक है, अल्फा क्यूब का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा क्यूब का वैल्यू मतलब क्यूब के फॉर्मेशन में ही पूरा क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, तो क्या होगा, अल्फा क्यूब का वैल्यू हम लोग इजिली पुट आउट कर सकते हैं। ओके, देन तो सिंस अल्फा इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर वी हैव, क्या होगा, तो अल्फा रूट है मतलब ये अल्फा के फॉर्मेशन में इक्वेशन पूरा कंप्लीटली ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए अल्फा क्यूब प्लस 3 बी अल्फा स्क्वायर प्लस 3 सी अल्फा प्लस डे इक्वल टू 0, ठीक है। देन अल्फा क्यूब का वैल्यू हम यहाँ पुट आउट कर देते हैं, ए माइनस डी बाई ए, ठीक, एंड ये टर्म्स रहने देते हैं क्योंकि अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास नहीं पता है, अल्फा का वैल्यू नहीं पता है, दिस वन 0। देन ये क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा, माइनस डी हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पे 3 बी अल्फा स्क्वायर प्लस 3 सी अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0। तो माइनस डी और प्लस डी देखिए कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। देन हमारे पास क्या बच रहा है, 3 बी अल्फा स्क्वायर प्लस 3 सी अल्फा इक्वल टू 0, ये बच रहा है, ठीक। देन देखिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ हम कॉमन आउट कर सकते हैं क्या, तो 3 कॉमन आउट कर सकते हैं दोनों में, एंड बी नहीं हो सकता, अल्फा अल्फा हो सकता है, 3 अल्फा कॉमन आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, बी एंड एक अल्फा बचा, प्लस यहाँ पे 3 अल्फा कॉमन आउट हो तो सी बचा, दिस इज इक्वल टू 0। अब 3 अल्फा को क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो देखिए बी अल्फा प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0 बाय 3 अल्फा, तो 0 बाय 3 अल्फा मतलब क्या होता है, 0 ही होता है, तो मतलब ये वैल्यू हमारे पास आ गया, बी अल्फा प्लस सी आ गया है, ठीक है। देन टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स ले लेंगे, देखिए इजी है, ठीक है, बस थोड़ी सी समझनी है तो बहुत इजी है। यहाँ आ गया हमारा मतलब दिस वन 0, बोल सकते हैं बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। नाउ टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, वैसे भी 0 का क्योंकि लेना होगा तो बोथ साइड्स लेना होगा, देन 0 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देन तो यहाँ पे क्या होगा, बी अल्फा का ये क्यूब होगा, एक्चुअली में क्या है, क्यूब ये पूरा कम्प्लीटली होगा ना, बी अल्फा क्यूब, और ये टर्म को क्या कर सकते हैं, हम इधर भेज सकते हैं, ठीक है, सी वाला टर्म्स को ना हम इधर भेज देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये टर्म्स हमारा 0 हो गया, ठीक है, यहाँ एक और टर्म्स लिख दीजिए, बी अल्फा दिस इज इक्वल टू माइनस सी एंड टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, ठीक, तो इधर हमारा ये हो गया एंड माइनस सी का भी ये हम लेंगे क्यूब, क्लियर, ठीक। देन तो ये हमारा बी क्यूब अल्फा क्यूब दिस इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब ही होगा, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, तीन बार नेगेटिव मतलब क्या होगा कि ये नेगेटिव भी निकल के आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है नेगेटिव, ठीक है। देन अल्फा क्यूब का वैल्यू देखिए हमारे पास है माइनस बी बाई ए है ना, जो कि हम लोग पुट आउट किए थे, सॉरी माइनस बी बोल रहे हैं, माइनस डी बाई ए दिस इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब हो गया। देन तो देखिए आ गया कंडीशंस हमारे पास, बस थोड़ी सी और सॉल्व करनी है, क्या हो गया, नेगेटिव में ये टर्म रहेगा एंड ये होगा बी क्यूब डी बाई में ए, दिस इज ये टर्म हम अगर इधर लेके आ जाए तो कोई प्रॉब्लम है क्या, ये हमारा सी क्यूब हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या होता है, एलसीएम ए होगा, यहाँ पे सी क्यूब ए दिस इज इक्वल टू 0, ए हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेजेंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस बी क्यूब डी माइनस सी क्यूब ए दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाता है जीपी का। ओके, जीपी का समझ में आया, रिक्वायर्ड कंडीशन किस तरीके से निकाले हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। देन अब आती है हमारी एचपी की बारी, ठीक है, एचपी में बीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है, एचपी कैसे निकालेंगे देखिए, ऊपर रेस करें, ऊपर क्या पूरे कंप्लीटली इरेज कर देते हैं, ठीक है। देन थर्ड वन, एक्चुअली में इसमें इंक नहीं है, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, मुझे मिल जाए मार्कर,
दिस वन थर्ड वन ठीक, क्योंकि हमारा एच पी था. तो द गिवन इक्वेशन इज गिवन इज ए एक्स क्यू प्लस थ्री बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो. लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो कि होगा क्या अल्फा बीटा और गामा की फॉर्मेशन में. ठीक है ना, अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें तीनों चीज निकालना होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने से ना ही अल्फा का वैल्यू आएगा ना ही सिंगल बीटा का आएगा ना गामा का आएगा, तीनों का निकालना होगा. ठीक है तो चलिए लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए माइनस थ्री बी बाई ए इक्वेशन वन. फिर इसके बाद क्या करना है, एंड करके लिखना है दो रूट का प्रोडक्ट फिर से अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा. हो गया क्या है, नेगेटिव में नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है दिस वन इक्वेशन टू. ओके देन उसके बाद हमारा आता है इक्वेशन थ्री अल्फा बीटा गामा एंड अल्फा बीटा गामा दिस इज माइनस डी बाई ए दिस इज इक्वेशन थ्री. एंड सिंस हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स होता है ठीक है आर इन एच पी में देयरफॉर वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा वन अपॉन गामा जो होगा आर इन किस में होगा एपी में होगा. देन हम लोग क्या जानते हैं कि बीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 2 अल्फा गामा बाई अल्फा प्लस गामा ये वैल्यू होता है. ठीक है ये कैसे हुआ था हम प्रूफ करके दिखाए हुए चैनल में. ओके देन अब ये करना है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा प्लस गामा दिस इज इक्वल टू अल्फा गामा. ओके देन ये हमारा बीटा अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा गामा 2 अल्फा गामा हो गया. ठीक देन यहाँ पे क्या हो रहा है जो बच रहा है बीटा अल्फा बीटा गामा यहाँ से देखिए ठीक है बीटा अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा बच रहा है तो बोथ साइड से अगर अल्फा गामा लेते हैं तो क्या होता है हमारा देखिए अल्फा गामा 2 अल्फा गामा इधर भी ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 3 अल्फा गामा हो जाएगा. एक अल्फा गामा अगर इधर लेते हैं तो इधर भी लेना होगा बोथ साइड से लेना होगा. कुछ भी चेंजेस करेंगे तो बोथ साइड से चेंजेस करेंगे. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर जो लेंगे वो हमारा हो जाएगा 3 अल्फा गामा हो जाएगा. ठीक है देन उसके बाद देखिए इसका जो वैल्यू है हमारे पास है यहाँ से ठीक है फ्रॉम 2 बोल सकते हैं या पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 लिखिए फ्रॉम 2 नहीं पुटिंग द इक्वेशन 2 ठीक है वी गेट क्या निकल के आएगा. तो यहाँ जो वैल्यू है वो हमारा 3 सी बाई में ए है दिस इज इक्वल टू 3 अल्फा गामा ये 3 ऐसे कैंसिल आउट होगा अगर डिनोमिनेटर में जाए तो और ए जो है उधर हमारा चला जाएगा. मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारा आया ना वो सी बाई ए ले सकते हैं ऐसे अल्फा और गामा ले दीजिए अल्फा गामा का वैल्यू सी बाई ए आ चुका है. ठीक है देन देखिए यहाँ पे इरेज कर रहे ये वैल्यू तो आ गया हमारे पास ठीक है अल्फा गामा का जो कि हम इसे इक्वेशन 4 कंसीडर कर लेते हैं 3 तक हुआ था इसे 4 कर लेते हैं फ्रॉम 3 वी गेट एक ही जैसा बनेगा. ठीक है एचपी का हमेशा ऐसे ही बनता है इसी तरीके से ही बनेगा जो होगा वो क्या होगा अल्फा गामा का जो वैल्यू है वो क्या है मतलब क्या हुआ कि अल्फा गामा we have from 3 से अल्फा और गामा का वैल्यू क्या था c by a माइनस d by में a और बीटा एक सेकेंड ना माइनस d by a था हाँ वो तेरी 3 में देखिएगा. ठीक है फ्रॉम 3 से कैसे निकल के आएगा माइनस डी बाई ए था और यहाँ जो बीटा है वो बीटा हम यहाँ पे भेज सकते हैं
ताकि इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट आउट कर दे, इसीलिए हम कह के बीटा का वैल्यू हम यहाँ पे भेज दिए। ओके नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा गाम, ठीक है, वी गेट तो क्या होगा, देखिए इसका जो वैल्यू है वो क्या है, c by a है, यहाँ से है माइनस d by में a और यहाँ पे बीटा, a a हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो दिस वन यहाँ आ जाएगा, तो a a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c इक्वल टू माइनस d by b हो जाएगा, मैं मतलब b बोल रहा सॉरी, ये बीटा है, ठीक है, दिस वन इज द बीटा, ठीक। देन बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा बीटा आ गया एंड दिस माइनस डी, और यहाँ पे हमारा सी, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में सी आ जाएगा। सिंस अगर बीटा हमारा क्या है, देखिए किसी एक का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं कंडीशन इजिली निकालेंगे, अगर अल्फा का वैल्यू निकाल पाते तो निकाल देते, बीटा का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, तो बीटा का वैल्यू निकाल लिए तो क्या होगा, सिंस क्वेश्चन को जो है वो बीटा के फॉर्मेशन में चेंज कर देंगे, इससे पहले अल्फा का फॉर्मेशन में चेंज कर रहे थे ना, बीटा के फॉर्मेशन में हम लोग चेंज कर देंगे। सिंस बीटा इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर वी हैव क्या होगा, तो ए बीटा क्यूब प्लस थ्री बी बीटा स्क्वायर थ्री सी बीटा प्लस डी इक्वल टू जीरो, देन ए है हमारा माइनस डी बाई सी का ये होल क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे थ्री बी माइनस डी बाई सी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे थ्री सी माइनस डी सॉरी स्क्वायर में है, यहाँ हो जाएगा सिंपल प्लस डी इक्वल टू जीरो, ठीक है, दिस वन नाउ देखिए इजी है ना, इजी लग रहा है ना, और बस सॉल्यूशन आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव ही होगा डी क्यूब बाई में सी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव रहेगा डी स्क्वायर बाई में सी स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, थ्री सी डी बाई में सी प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये सी सी कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे जो है एलसीएम लेना होगा सी क्यूब, ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं हमारा सी क्यूब, सी क्यूब तो सी क्यूब एलसीएम लेंगे माइनस ए डी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा थ्री बी सी डी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा क्या सी क्यूब मतलब सी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर और सी मतलब सी क्यूब भी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे डी सी क्यूब दिस इज इक्वल टू जीरो, एंड बोल सकते हैं जिसको इक्वल टू जीरो यहाँ पे लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, एंड सी क्यूब उधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट होगी हमारे पास कंडीशन ये निकल के आएगी, ठीक है, थ्री सी क्यूब डी प्लस डी सी क्यूब इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा एच पी का हो गया कंडीशन, ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से हम जी पी भी निकालना सिखा दिए हैं, एच पी भी निकालना सिखा दिए हैं, ठीक है, एंड ए पी भी निकालना सिखा दिए, तो तीनों सिखा दिए, तो थैंक यू सो मच, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, और हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवा चुके हैं तो उसको जरूर देखिए।